शासन इस भागीदारी की महत्व जानता है और नौकरियां और राजस्व के अलावा यह क्षेत्र हमें अन्य लाभ भी प्रदान करता है। यही वजह है कि आज की केवल हम लोग चर्चा है वो केवल पर्यटन क्षेत्र के निवेश के संदर्भ में ही सीमित रखी हुई है। आज की तारीख में उत्तराखंड में 5 साल की तुलना में कई सारे पंचतारांकित होटल यहाँ पर है स्थित है। हालांकि केवल होटल के संदर्भ में स्टार रेटिंग ही केवल अच्छी संपत्तियों का संकेतक नहीं है, लेकिन स्टार रेटिंग होने से हम लोगों को डेस्टिनेशन मैनेजमेंट में बहुत सारी सुविधाएं होती है। जैसे हम लोग कहीं पर भी कहते हैं कि हमें कोई प्रतियोगिता का आयोजन करना है या किन्हीं महोत्सवों का आयोजन करना है, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपके यहाँ पर कितने तारांकित होटल है, उनकी इन्वेंट्री कितनी है, ये पूछा जाता है। तो जीएसटी की मीटिंग, काउंसिल मीटिंग हो या आईपीएल की क्रिकेट मैच हो या अन्य इस तरह के कोई भी कन्वेंशन हो या आयोजन हो, तो इसीलिए हम लोगों को इस क्षेत्र का बहुत महत्व है जो हम लोग जानते हैं। अच्छी सुविधाओं से लेस होटल अपने आप में एक पर्यटन का आकर्षण होते हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं को एक नई हम लोगों को यहाँ पर इवेंट्स लाने के लिए और उसके थ्रू उत्तराखंड राज्य का एक ब्रांडिंग बनाने के लिए हमें आवश्यक है कि आपके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए हमें, और ये एक विन विन स्ट्रैटेजी है और जिसके चलते हम लोगों ने अपने लिए लक्ष्य बनाया है कि अगले 3 साल में हम लोग 50 स्टार प्रॉपर्टीज उत्तराखंड में ले आए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यतः हम लोग त्रिस्तरीय रणनीति पर काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि और जो कार्य किया जा रहा है वो है कि आधुनिक नगर नियोजन के सिद्धांतों पर हम लोग नए डेस्टिनेशन को विकसित करना चाह रहे हैं, जैसे टेहरी है, आउली है, इन नए स्थलों का विकास करना, बिल्डिंग बायलॉज में सुधार करना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज है। यहाँ पर आज चुप साहब भी है, सहानी जी भी है, इन्होंने इनफैक्ट इसका जो फर्स्ट फेज का जो हमारे सुधार हुए थे उसमें आपने काफी गहन अध्ययन और धैर्य के साथ, मैं कहूंगा कि आपने हमारे साथ इन रिफॉर्म्स करने में आपने मदद करी हुई थी। दूसरा है कि यहाँ पर जो निवेशक आते हैं उनको हम लोग किस तरीके से उनको लाभान्वित करें, इंसेंटिवाइज करें, और उसके लिए हमने 2018 में एक नीति बनाई थी और इस नीति के तहत हम लोग निवेशकों को प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं। सर, मुझे आज यह बताते हुए खुशी हो रही कि 2018 की जो पर्यटन नीति थी उसमें अभी हमें इस साल लगभग 103 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग 1,000 करोड़ से अधिक का निवेश निजी निवेशकों के साथ बनाने की योजना है। सर, तीसरा इस रणनीति का महत्वपूर्ण पहलू है कि यहाँ की जो है इकोसिस्टम को हम लोग किस तरीके से सुधारें, किस तरह से और फ्रेंडली बनाएं। यह बात स्वीकारते हुए मुझे कोई परहेज नहीं है कि राज्य की बहुत अच्छी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग होने के बावजूद भी हम लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी सुधार लाने की गुंजाइश है और इस पर हम लोगों को कार्य करने की आवश्यकता होगी, जिस पर हम लोग कार्य करेंगे। तो यूटीडी भी एक अत्यंत छोटा संस्थान है, लेकिन हम लोगों ने इन्वेस्टर फैसिलिटेशन के लिए काफी समय से हम लोग प्रयासरत है। इसमें हम लोगों की यूटीडीबी में एक डेडिकेटेड टीएमयू का एक गठन किया गया है जो निवेशकों की हैंड होल्डिंग करता है, और परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए अभी हम लोगों ने एक अलग इंजीनियरिंग टीम बनाया है ताकि इन प्रोजेक्टों को हम लोग जल्द गति से धरातल पर उतार सकें। राज्य में ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। आज हमें यहाँ पर काफी लोग आए हुए हैं कि जिन्होंने इस सिस्टम का लाभ भी उठाया होगा और उसमें कुछ उनको कमी पेशी भी हो सकता है सामने आई होगी, जिसके बारे में आज बात होगी। इसकी सर मॉनिटरिंग मुख्य सचिव महोदय के स्तर से निरंतर होती रहती है। सुविधाओं का बजट दर साल हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं और अलग अलग पर्यटन स्थलों को विकसित कर रहे हैं, लेकिन पर्यटनों को बढ़ावा देने के साथ ही हम लोगों को चाहिए कि सर्वसमावेशी विकास हो, और इसके लिए सभी हमारे जिलों में, हमारे रिमोट जिलों में भी इसका लाभ हो। इसके लिए हम लोग पर्यटन सर्किट विकास कर रहे हैं और उन पर्यटन सर्किटों के स्थान पर हमें आपके निजी निवेशों की आने वाले समय में जरूर आवश्यकता होगी। हाल ही वर्षों में उत्तराखंड फिल्म शूटिंग के लिए तेजी से लोकप्रिय एक गंतव्य स्थान बना हुआ है और यह मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रदान की गई निरंतर निगरानी और समर्थन से संभव हो पाया है। आज ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी व दीर्घ अनुभव के धनी हमारे माननीय पर्यटन मंत्री जी, जो आज अपनी किसी अन्य व्यस्तता की वजह से यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके मार्गदर्शन में जो नई रणनीति बनाई जा रही है उसके चलते मैं जरूर देखता हूँ कि पर्यटन व्यवसाय में काफी सारी संभावनाएं हैं, और इसीलिए इंडस्ट्री और शासन
दोनों का ये व्यवस्थाओं दोनों के लिए किस तरीके से बेहतर बनाई जा सकती है, इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित है। आपकी सुझाव और टिप्पणियों को सुनने के लिए यह एक औपचारिक और अनौपचारिक संवाद यहाँ पर रखा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अत्यंत व्यस्तता के बावजूद भी वो डायरेक्टली दिल्ली से यहाँ पर आ पाए सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरे सहयोगी आकाश जो हमारे पीएमयू इन्वेस्टमेंट सेल के टीम लीडर है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पर्यटन के संबंध में जो हमारी इकोसिस्टम आज की डेट में है उससे सभी हितधारकों को अवगत करा दें, और इसके बाद जो है चर्चा के लिए ये मंच ओपन रहेगा। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, और सर आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि पर्यटन विभाग आज की इस बैठक से जो भी सुझाव निकल कर आएंगे उस पर शीघ्रता से कार्यवाही करेगा, और इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए वांछित परिवर्तन समयांतर्गत तत्काल कर लेगा। इसके साथ ही आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आपने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, मैं आप सभी का रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सर। सर, बिफोर वी बिगिन दिस प्रेजेंटेशन, सिंस इट्स अ क्लोज डोर मीटिंग, मे आई रिक्वेस्ट द मीडिया पर्सनल टू काइंडली लीव द रूम सो दैट द प्रेजेंटेशन कुड बी शेयर्ड विद द ऑनरेबल मिनिस्टर सर। आई रिक्वेस्ट द मीडिया पर्सनल टू काइंडली लीव द रूम। देर इज अ अरेंजमेंट फॉर टी एंड कॉफी आउटसाइड, एंड पोस्ट द मीटिंग वी वुड रिक्वेस्ट यू नो देम टू कम इनसाइड एंड टेक द फाइनल कोट फ्रॉम ऑनरेबल मिनिस्टर सर। Thank you so much for your cooperation, please. Apart from ANI and DIPR, I request the rest of the media personnel to kindly leave, please. We really are thankful for your cooperation, please.